हेलो फ्रेंड्स, अच्छा नमस्ते जी फ्रेंड्स, आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, चालू करते ना बहुत अच्छी तरह से सारे उस टाइम फेस्टिवल चालू किए ना, अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर रहे होंगे जी दोस्तों। कंटिन्यू रखना पड़ता है, कितना अच्छा है ना, हम सब हिंदुस्तान में रहते हैं जब बहुत से फेस्टिवल मनाए जाते हैं जी दोस्तों। और इन्हीं फेस्टिवल्स पर कुछ लोग कपड़े खरीदते हैं, कुछ अच्छे अच्छे अपने ऑर्नामेंट्स खरीदते हैं, और हम प्लांट लवर्स खरीदते हैं प्लांट्स। जी हाँ दोस्तों, देखिए मैं भी कुछ एक पौधे लेकर के आई हूँ जी। एक तो ये मैंने ये जो है जेड प्लांट खरीदा है जी हाँ, ये जेड प्लांट मैंने अभी ही खरीदा है, वैसे मेरे पास में था लेकिन बोनसाई मुझे मिल गया, मुझे अच्छा लगा और मैंने इसे ले लिया जी। और मेरे गार्डन में अब देखिए ये कुछ इस तरह का लुक दिखाई दे रहा है आपको इस जेड प्लांट का जी। और ये सेकुलेंट्स लिए हैं, बहुत प्यारे लगेंगे मैं सोचती हूँ मेरे गार्डन के अंदर। इसे मैं पूरी तरह से बोनसाई बनाऊंगी जेड प्लांट को। फ्रेंड्स, जेड प्लांट को बोनसाई बनाया जाना बहुत इजी है, और ये मुझे जो है पूरा ध्यान रखते हैं अच्छे से, आपके यहाँ कितने का मिलता है इतना बड़ा, अगर आइडिया हो तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैंने सस्ता लिया या महंगा लिया जी। तो ये तो थी फ्रेंड्स बात शॉपिंग की। मैं इन्हें अभी छोटे छोटे से इसमें ही लगाए रखूंगी और बाद में रिपोर्ट करूंगी जब मुझे थोड़ा सा लगेगा कि हाँ रिपोर्ट करना चाहिए। नेचुरल है, कोई भी काम करते ये जो लिया है मैंने वो लिया है 200 रुपये, फिर पूरी जानकारी हो ही जाती है। ये छोटे से कप जैसे मैं लगा रखा है, और बस इन सबको धीरे धीरे करके रिपोर्ट करने की तैयारी करूंगी दोस्तों में। और एक सबसे बड़ी अच्छी बात ये लगी कि मुझे ये देखिए नीचे इसके लगा हुआ सेक्युलेंट्स मिल गया फ्रेंड्स। चलिए बात कर लेते हैं खास आज के जो टॉपिक होना है उसके ऊपर जी। फ्रेंड्स, ये मेरे गार्डन का आप व्यू देख रहे हैं, और हमारा टॉपिक होने वाला है कि दुनिया का सबसे कीमती पौधा। जी हाँ, आप भी शायद मानते होंगे लेकिन मैं तो मानती हूँ स्नेक टंग प्लांट को दुनिया की सबसे कीमती पौधे के अंदर। अगर कोई पूछे तो मैं स्नेक टंग प्लांट का नंबर वन प्लांट बताऊंगी। रीजन ये है फ्रेंड्स, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जान है तो जहान है जी हाँ, और जान बचनी है ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन मिलती है स्नेक टंग प्लांट से फ्रेंड्स। इसीलिए मैंने मेरे घर के गार्डन के अंदर देखिए सारे स्नेक टंग प्लांट लगा रखे हैं, कि कई बार परिवार वाले थोड़े से मैं सोचती हूँ कि चिढ़ भी जाते हैं, क्या एक ही एक टाइप के पौधे ला करके लगा देती हो, क्या एक ही वेराइटी के पौधे लगा रखे हैं। लेकिन हालांकि देखिए इसमें एक ही टाइप के नहीं हैं, बहुत किस्म के मेरे पास में स्नेक टंग प्लांट हैं, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। और ये देखिए, ये कम से कम ये जो आप देख रहे हैं ये स्नेक टंग प्लांट, अगर हम बराबर से केयर करते हैं तो ये 4 फीट का हो गया है जी हाँ। और मिट्टी आपने इसकी देखी, सिंपल वज्री के अंदर लगा रखा है फ्रेंड्स। तो और ये मून लाइट वाला स्नेक टंग प्लांट है मेरे पास में, और येलो कलर के बॉर्डर वाला स्नेक टंग प्लांट है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए ये सारे अलग अलग किस्म के हैं जी हाँ। इसकी पता नहीं कौन सी टाइप्स है, इसकी लिप्स इतनी हार्ड हैं, एक बार को तो लगता है कि इसकी टिप्स अगर चुभ जाए तो कोई कांटा ही चुभ गया। और ये देखिए ये कितना सुंदर है। ये सारे टाइप्स मेरे पास में स्नेक टंग के हैं फ्रेंड्स, और इसकी वैल्यू तो आप सभी जानते ही हैं कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला प्लांट है। तो इसलिए आप इसे घर में ज़रूर लगाइए, और कोई ज़्यादा जगह नहीं घेरता, बहुत छोटी सी जगह पर आराम से लगता है। ये छोटे वाले मैं इंडोर में रखती हूँ, आज मैंने इनको इकट्ठा किया है हाँ, इंडोर में रखती हूँ। मेरे बाथरूम में भी आपको स्नेक टंग प्लांट मिल जाएगा, ड्राइंग रूम में भी 2-3 पड़े रखे रहते हैं, क्योंकि इनकी कोई ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती। और देखने में इस तरह का ये जो वेरीगेटेड स्नेक टंग प्लांट है बहुत खूबसूरत सा लगता है। ये छोटे छोटे से प्लांटर के अंदर ही लगे हुए हैं,
कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं मांगते और बेचारे इजी टू ग्रो हैं और ऑक्सीजन देने में सबसे ज़्यादा अच्छे प्लांट्स हैं फ्रेंड्स ये। तो ज़रूर मैं सोचती हूँ कि आपने भी लगा रखे होंगे, नहीं लगाए हैं तो बस लगाने के लिए आप सोच लीजिए। अभी देखिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है इन दिनों में स्नेक टंग प्लांट की। अभी ये जो मौसम है ना स्नेक टंग के हिसाब से बहुत अच्छा है। बारिश के अंदर मेरे पौधे कई गल भी गए, शुरू शुरू के अंदर बहुत शाइनिंग दिखती है पत्तों के अंदर, बहुत अच्छा लगता है। जब बरसात का पानी गिरता है तो लगता है कि बहुत अच्छे ग्रोथ होंगे, लेकिन धीरे धीरे करके वो पूरी तरह से गल जाते हैं। ऐसा ही अब की बार कई प्लांट्स के साथ हुआ। लेकिन खैर अभी क्योंकि गमलों के अंदर थोड़ा सा बारिश का पानी गिरा हुआ है इसलिए अच्छा न्यूट्रिशन भी इनको मिला हुआ है तो अच्छी ग्रोथ दिखा रहे हैं ये सारे के सारे प्लांट्स। तो फ्रेंड्स मैं मानती हूँ आपने लगा रखा होगा इस पौधे को, और नहीं लगाया है तो कहीं से भी बस आप एक स्टिक भी इस तरह की ले आएंगे तो इजीली लग जाएगा, कोई ज़रा मुश्किल नहीं है। पत्तों से भी लगाया जाता है इसको, लेकिन चाहे मुश्किल नहीं हो, हाँ वैसे बहुत ही कीमती पौधा है फ्रेंड्स। तो देर मत कीजिए, स्नेक टंग को ज़रूर अपने घर में लगाइए। मदर इन लॉ प्लांट भी कहते हैं इसको, सेंसेवेरिया वैसे इसका नाम है। आसपास की अशुद्ध हवा होती है उसको भी ये शुद्ध करने का काम करता है और 24 घंटे ऑक्सीजन करते हैं। जी हाँ, मैं अपनी ओर से नहीं कह रही, बहुत से रिसर्च हुए इस प्लांट के ऊपर और अंत में ये निष्कर्ष निकला कि दुनिया में सबसे अगर ऑक्सीजन रिच प्लांट है तो मतलब जो है ये प्लांट की बात कर रही हूँ मैं तो ये सेंसेवेरिया ही है। तो फ्रेंड्स वैसे भी देखने में खूबसूरत सी पत्तियाँ लगती हैं इसकी, तो ज़रूर आप भी लगाइए। और लगा रखा है तो आपकी यहाँ है कौन कौन से और पौधे दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब दीजिए।